भारत और श्रीलंका पहला एक दिवसीय मुकाबला टीम नहीं जीता लेकिन क्रिकेट की जीत हुई है। जी हां, इस मुकाबले की हम बात करेंगे जो एक बेहद ही शानदार मुकाबला है, रोमांचकता की गहराई को छूने वाला मैच और आखिरी लम्हों तक ये नहीं पता चल रहा था कौन सी टीम जीतेगी। अंत में वही हुआ जो T20 में हुआ था। जी हां, टाई हुआ, मुकाबला बिना किसी नतीजे के छूटा है। मैच ओवरव्यू में यानी कि मैच के हाइलाइट्स में हम बात करेंगे, फिर क्लैक्स पर शुरुआत करेंगे। सबसे पहले इस मुकाबले में टॉस से लेकर टॉस जीता श्रीलंका के कप्तान ने और पहले उन्होंने बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। हालांकि आप देखें तो विकेट स्लो थी और ऐसे में बैटिंग करना आसान नहीं था। शुरुआती झटके जरूर श्रीलंका को लगे, अविष्का फर्नांडो बहुत जल्दी आउट हुए, एक रन बनाए उन्होंने मैच, लेकिन एक तरफ से पदुम निशंका खड़े रहे, डट के बैटिंग करते रहे, उन्होंने शानदार अपनी टीम के लिए अर्धशतक बनाया। एक समय श्रीलंका के 101 पे आधी टीम पवेलियन जा चुकी थी, 5 विकेट गिर चुके थे और उस समय ओवर चल रहा था 2800, ऐसे लगा कि शायद 200 नहीं बना पाएगी ये टीम। लेकिन ऐसे में मिडिल ऑर्डर ने श्रीलंकाई बल्लेबाजी को अगर देखें तो एक तगड़ा आधार दिया। जी हां दोस्तों, जनित ने 20 रन बनाए और साथ ही साथ सबसे कमाल की बात रही है विल्ला लागे की, उन्होंने जिस तरह की बैटिंग की शायद किसी ने सोचा नहीं था, 67 रन रहे, नाबाद पारी खेली 65 गेंदों में। हसरंगा ने तो कल बैट से भी कमाल किया और बॉल से भी किया 24 रन, और धनंजय उन्होंने भी कमाल की बैटिंग करते हुए टीम के लिए उपयोगी 19 रन बनाए। इस तरीके से 230 पर स्कोर पहुंचा। भारत की तरफ से अगर गेंदबाजी की हम बात करें तो अर्शदीप ने 2 विकेट लिए, अक्षर पटेल ने 2 विकेट लिए और बाकी गेंदबाजों को 1-1 विकेट मिला। हालांकि एक ओवर जो महंगा ओवर था, मुझे लग रहा है कि वहां पर शुभमन गिल का वो शायद क्या कराना चाहिए था या नहीं, लेकिन वो 14 रन इस मैच के लिए बहुत ही अहम हो गए। जवाब में 231 के ऐसा लग रहा था कि ये तो आसान लक्ष्य है। भारतीय टीम में जुड़े थे श्रेयस अय्यर, केएल राहुल काफी अरसे के बाद, और शुरुआत में गिल के साथ रोहित शर्मा ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की। गिल थोड़ा सा धीमा चले लेकिन रोहित ने अपना गियर टॉप पे लगा के रखा था, उन्होंने लगातार शानदार चौके और छक्के लगाए। एक समय तो लग रहा था जब 10 ओवर था स्कोर 71, मैच बहुत ही जल्दी खत्म होगा, लेकिन पहला विकेट गिल के रूप में आउट होने के बाद रोहित शर्मा के कंधों पर थोड़ी जिम्मेदारी बनी। ऐसे में उन्होंने थोड़ा सा धीमा खेलना शुरू किया लेकिन अपना अर्धशतक पूरा किया। एक बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में वो LBW आउट हुए। कोहली से उम्मीदें थी, शॉट 2-3 अच्छे लगाए लेकिन बहुत ज्यादा नहीं टिक पाए, केवल 24 रन पर ही वो भी LBW का शिकार बने वनिंदु हसरंगा की गेंद पर। वाशिंगटन सुंदर को प्रमोट करके ऊपर भेजा गया। अगर आप देखें तो वहां पर राहुल भी थे, वहां पर श्रेयस अय्यर थे, लेकिन ये जो मुझे लग रहा है स्ट्रेटजी है ये T20 में भी देखने को मिला था और वनडे में, लेकिन वाशिंगटन सुंदर बहुत ज्यादा टिक नहीं पाया, केवल 5 रन बनाए। और इसके साथ ही साथ आप देखें तो अय्यर ने 23 की पारी खेली, केएल राहुल धीमा जरूर रहे लेकिन 31 रन बनाए, और एक समय तो लग रहा था कि मैच बिल्कुल आसानी के साथ फिर भारत जीत सकता है क्योंकि दुबे उस समय अच्छे टच में नजर आ रहे थे और वो ओवर लेकर आए चरित असलान का। आपको याद होगा एक मैच जो T20 का मैच खेला गया था जिसमें रिंकू सिंह ने बॉलिंग की थी, जिसमें सूर्या ने बॉलिंग की थी, बिल्कुल वही घटना इस मैच में भी घटी है। इस मैच में असलान का बॉलिंग करने के लिए और उस ओवर में हालांकि 5 रन की जरूरत थी, एक चौका लगाया वहां पर शिवम दुबे ने, लेकिन उसके बाद वो आउट हुए LBW के तौर पर और लास्ट में अर्शदीप वो भी आउट हो गए और इस तरीके से मुकाबला बराबरी पे छूट गया। और कहीं ना कहीं क्रिकेट की जीत हुई है, नतीजा भले ही नहीं आया इस मैच का लेकिन मैं समझता हूं श्रीलंका की एक मनोवैज्ञानिक जीत रही है। एक शानदार मैच पहला मैच रहा और श्रीलंका को देखना है कि क्या ये जो उनको एक मनोबल के साथ आगे मैच में वो कमबैक करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन भारत के लिए थोड़ा सा बैटिंग में कोलैप्स होना ये भी एक चिंता का विषय है।